प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम उन 8 बातों के बारे में जान रहे हैं जो प्रार्थना में होनी बहुत ज़रूरी है। पहले दिन मैंने आपको पवित्रता के बारे में बताया था, फिर मैंने बताया आपको प्रार्थना में विश्वास, और आज हम देखेंगे प्रार्थना में क्षमा करना कितना ज़रूरी है। हमारे जीवन में क्षमा करना, क्षमा का आत्मा होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया, प्रार्थना करने से पहले अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आज हम बाइबल से इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन भेद की बातों को जान सकें। प्रूपस में आज का जो सवाल है वो है कि पूर्व काल में नबी को या भविष्यवक्ता को क्या कहा जाता था। पूर्व काल में नबी को या भविष्यवक्ता को क्या कहा जाता था, क्या कहकर उन्हें संबोधित किया जाता था। बाइबल से है, बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सैमुअल की पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे मैं कई दिनों से आपसे बातचीत करता आ रहा हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एक दर्शन है जो परमेश्वर ने मुझे हॉस्पिटल में दिया था, एक हॉस्पिटल बनाने का, तो वो संभव है परमेश्वर के लिए। हम लोगों के लिए असंभव काम है क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये, लेकिन परमेश्वर जब एक पूरी सृष्टि की रचना कर सकता है तो हमारे लिए छोटा सा काम ज़रूर करेगा, लेकिन उसमें हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय में कि सब लोग मिलकर एक गुंबद बना रहे थे कि हम परमेश्वर से मिले, तब परमेश्वर ने कहा वहाँ पर कि अगर ये ऐसे मिलके करेंगे तो इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो हमारे लिए भी कोई काम असंभव नहीं होगा जब हम मिलके करेंगे। तो इन नंबरों पर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैसेंजर पर भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत है, उसके बाद हम अगले कदम को बढ़ाएंगे। तो ज़मीन के विषय में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ बंदोबस्त है तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए ताकि हम अगला स्टेप बढ़ा सकें। और यदि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए या इस चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई, झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें वापस घर लेकर आ। जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, उन्हें उनके कारोबारों में नई जान डाल प्रभु, ताकि वो नए काम को लेकर प्रभु जी अपनी जीविका को चला सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है प्रार्थना में क्षमा करना, या ये कह सकते हैं कि प्रार्थना करने से पहले हमें हर एक को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि प्रभु को हम देखें। अगर हम ये चाहते हैं तो बाइबल उसके सामने दो शर्तें रखती है। वो शर्तें क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इब्रानियों की पत्री है, उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप, सब उसमें सभी लोग आ गए, चाहे हमारे बैरी हों, दुश्मन हों या कोई भी हो, उनके विषय में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें सबको माफ़ करना है, सबको माफ़ कर देना है। जब हम माफ़ करेंगे तब परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो आइए हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे
तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूँ? क्या 7 बार? उसने सवाल पर सवाल किया कि अगर मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूँ, पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल किया, क्या 7 बार? तब यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने बार तक। 7 बार के 70 गुने बार तक। लोग इसको इसका जो लिखा जोखा निकालते हैं 490 बार, नहीं, इसकी गिनती कुछ अलग ही बनती है। अगर हम 7 बार को 70 बार गुना करेंगे तो वो बहुत बड़ी गिनती बनती है। इसका मतलब माफ़ करते रहें, करते रहें और करते रहें। तो ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 बार गुने तक माफ़ करते रहना है हमको, और फिर उसके बाद हमें आदत पड़ जाएगी माफ़ करने की। तो प्रार्थना में या प्रार्थना से पहले माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी का कोई भी अपराध हो, हमें उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। आइए देखेंगे कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में संत पौलुस इस विषय में क्या कहते हैं। कुलुसियों 3 अध्याय और इसका 12 और 13 पद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और देखिए 13 पद में लिखा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो प्रभु ने भी तो हमारे अपराध माफ़ किए हैं, तो हम भी क्या करें, दूसरे के अपराधों को माफ़ करें। अगर नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमारे अपराध माफ़ नहीं करेगा। हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो प्रभु हमें प्रेम करेगा, हम देंगे दूसरों को तो प्रभु हमको देगा। तो इस तरह से एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में जुड़ी हुई है, यानी जैसे कि हम माफ़ करेंगे तो प्रभु हमें माफ़ करेगा, हम प्रेम करेंगे तो प्रभु हमें प्रेम करेगा, हम दान करेंगे तो प्रभु हमें देगा। तो इस तरह से हम इन बातों को देख सकते हैं कि हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि हम चर्चेज में या कहीं पर भी एक प्रार्थना है जो रटी रटाई प्रार्थना होती है, हम अपने बच्चों को भी उन्हें रटा देते हैं कि है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, हिंदी में है मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझाते हैं, आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो एक रीति बता रहे हैं प्रार्थना की, कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये नहीं कह रहे कि ये प्रार्थना किया करो, एक रीति है ये। इस रीति में ये 10 पॉइंट है जो इसके विषय में मैं फिर कभी बातचीत करूंगा, क्योंकि अभी हम प्रार्थना के विषय में ही जान रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस प्रार्थना के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके 10 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 12 पद को। यहाँ लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हमें करना है माफ, तभी तो परमेश्वर हमें माफ करेगा। अगर हम इस पूरी प्रार्थना को पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 9 पद से लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम इस प्रार्थना को रट कर बोलते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हम करते हैं माफ? हम नहीं करते, फिर भी हम इस प्रार्थना को बोलते हैं। तो इस प्रार्थना को बोलने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम माफ़ करना सीखें, क्योंकि ये प्रार्थना का एक हिस्सा है। अगर प्रार्थना में माफ़ करना नहीं है तो हमारी प्रार्थना भी यूजलेस है, उस प्रार्थना को कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ प्रार्थना हो जाएगी, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यहाँ पर पूरी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह बीच के हिस्से में लिखते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला, सॉरी लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो पहले हमें माफ़ करना पड़ेगा दोस्तों, तब प्रभु हमारे अपराधों को माफ़ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो हमें सिखाना चाहता है कि हम माफ़ करना सीखें। ये माफ़ करने वाली आत्मा मेरे और आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम जब पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 और 25 पद में देखिए क्या लिखा है संत प्रभु यीशु मसीह ने। मरकुस
रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 और 25 पद देखिए लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा बता रहे हैं यीशु मसीह कि प्रार्थना करके प्रतीति कर लो, मतलब विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, ऐसा हो जाएगा। लेकिन 25 पद में वो एक शर्त रखते हैं, क्या लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रार्थना से पहले हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान कीजिए, आपका किसी से मनमुटाव है या कोई लड़ाई झगड़ा है तो आज उसे सुलझाएं और इस बात को ख़त्म करें, माफ़ करना सीखें। यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया गया, वो अपराध करते ही पकड़ी गई थी, गुनाह करा उसने, पाप किया, पकड़ी गई। लोग यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह को अजमाते हुए बोले कि मूसा ने अपनी व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। किसने मारा पत्थर? किसी ने भी नहीं मारा, क्योंकि सब पापी थे। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हैं। तो सब पत्थर फेंक कर वहाँ पर चले गए, एक ही व्यक्ति था वहाँ पर जो निष्पाप था, वो उसे पत्थर मार सकता था, लेकिन उसने भी पत्थर नहीं मारा। उसने कहा, क्या कहा, जा मैंने भी तुझे माफ़ किया, आगे से ऐसा मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों हम माफ़ करना सीखें ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आज ही प्रभु से प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मेरे मन में किसी के भी प्रति अगर विरोध है या मनमुटाव है या लड़ाई झगड़ा है, आज मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, आज मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, मैं उसे क्षमा करता हूँ, मैं उसे क्षमा करती हूँ, प्रभु मुझे मेरे अंदर क्षमा करने वाली आत्मा दे ताकि प्रभु जी मेरी प्रार्थनाएँ रुक ना जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपको इसका आंसर ज़रूर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। टू पल्स में आज का सवाल है कि पूर्व काल में नबी या भविष्य वक्ता को क्या कहा जाता था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्लीज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। इन नंबरों पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि हमारा दर्शन है, उस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें। हम मिलकर इस काम को अगर करेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारे साथ होगा। यदि मेरी मिनिस्ट्री के लिए या चैनल की ग्रोथ के लिए आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।